का ये 3,000 रुपये किलो पड़ेगा, छोटा वाला ठीक 2,800 रुपये, 2,800 रुपये का, किलो। ये सेज का बड़ा, ये 3,000 रुपये, ये 3,000 रुपये किलो, 200 रुपये का फर्क है, 750 रुपये पाव पड़ेगा, 750 रुपये पाव। और ये भुनावा काजू है, ये भुनावा काजू, ये नमक वाला काजू, ये भी 2,800 रुपये किलो पड़ेगा, 2,800 रुपये किलो। ये अपना गिरी क्या हिसाब दे रहे हो? ये अखरोट गिरी, अमेरिकन अखरोट गिरी, अमेरिकन अखरोट गिरी है, ये 600 रुपये पाव पड़ेगा, 2,400 रुपये किलो। इसमें दूसरा क्वालिटी हमारे पास है पाकिस्तान का, अच्छा पाकिस्तान अखरोट गिरी जो है वो 550 रुपये पाव है, 2,200 रुपये किलो पड़ेगा, अच्छा ठीक। और ये ईरानी बादाम, ये ईरानी बादाम है, ये पापलेट बादाम है, ये 2,200 रुपये, 2,200 रुपये किलो है ये, अच्छा अच्छा अच्छा। और ये साबुत अखरोट क्या हिसाब दे रहे हो? ये छेना वाला अखरोट है, कागज अखरोट बड़ा वाला, ये 200 रुपये पाव है, 800 रुपये किलो। और अच्छा, इस और इस अखरोट में और इस अखरोट में क्या फर्क है? ये चाइना का अखरोट है, ये पाकिस्तान का अखरोट है, ये पाकिस्तान का आ गया, ये चाइना का आ गया, ये कागजी अखरोट है, दोनों कागजी अखरोट है। ये क्या किलो है? ये 1,200 रुपये किलो पड़ेगा, 300 रुपये पाव। इसमें गिरा हमारे पास पड़ा पाकिस्तान का, ये 2,200 रुपये किलो, 2,200 रुपये किलो गिरी है पाकिस्तानी अखरोट की। और ये पाकिस्तानी अखरोट 1,200 रुपये किलो, ये चाइना अखरोट ये 800 रुपये किलो। ये खजूर क्या हिसाब दे रहे हो? ये खजूर कौन कौन सा खजूर है? ये खजूर ये ईरान का खजूर है, जायदी खजूर, ये 100 रुपये पाव है, 400 रुपये किलो है, ईरानी खजूर है, ये ईरानी खजूर है, 100 रुपये पाव, इसका नाम है जायदी, 400 रुपये, जायदी, अच्छा। ये मुजफ्फरपुरी खजूर है डब्बे वाला, 480 रुपये किलो, 120 रुपये पाव, 120 रुपये पाव है। जैसे हम खुद वजीरिस्तान से बड़ा भाई भी लेकर आते हैं, मतलब कि अपने गांव का शहद भी है इसके अंदर, और कंपनी का शहद भी, कंपनी का शहद भी है, वजीरिस्तान से भी लेकर, वजीरिस्तान से भी लेकर आता है। गोल्डन चिलगोजा है, ये देखें, ये गोल्डन चिलगोजा है, ये 1,500 रुपये का पैकेट है, और अगर हमारे चैनल की रेफरेंस से कोई आएगा तो 100 रुपये उस पर डिस्काउंट भी देंगे हुसैन भाई। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप लोग? नाज़रीन, आज हम आए हैं हुसैनाबाद में फूड स्ट्रीट में, एक ड्राई फ्रूट की दुकान ADK के नाम से है, जहां का हम विज़िट करेंगे। यहां के हम जो रेट हैं मेवों के, उस रेट के बारे में हम मालूम करेंगे। यहाँ पर जो ओनर हैं वो हुसैन भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, किस रेट पे आ रही हैं, किस रेट पे ये बेच रहे हैं। आइए यहाँ का विज़िट करते हैं। जी नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप, ये बादाम रखे हैं, और ये पिस्ता है, ये बादाम है, ये काजू है, यहाँ पर देखें ये खजूरें रखी हुई हैं, ये देखें ये खजूरें हैं, ये देखें चिलगोजा रखा हुआ है, जो इस वक्त 6,000 रुपये 8,000 रुपये किलो है, वो भी हुसैन भाई इस वक्त बेच रहे हैं। ये देखें ये काजू है, ये देखें,
ये देखिए नाज़रीन देसी घी भी रखा हुआ है यहाँ पर, और ये देखें आप खालिस शहद भी रखा हुआ है, कंपनी का भी है और इनका अपना बनाया हुआ शहद भी है जो छोटी मधुमक्खी से निकाला जाता है, जो खालिस शहद है। ये ड्राई फ्रूट की दुकान भी है और पंसार की दुकान भी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, खैरियत है? क्या नाम है भाई जान आपका? हुसैन भाई। हुसैन नाम है। हुसैन भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। हुसैन भाई कितना अर्सा हुआ ये दुकान खोले हुए आपको? हमारा तो अभी इस दुकान का 10-15 दिन हो गया, हमारा दो शॉप और भी है। दो दुकानें और भी है, कहाँ पर है आपकी दुकान? गुलस्ताने जौहर में। किस साइड पे है? एक परफ्यूम चौक के साथ है, एक जौहर मोड़ पे है। अच्छा, दूसरा नंबर शॉप यहाँ पे। ये आपको दुकान खुले हुए 15 दिन हुए तकरीबन ये? अच्छा अच्छा अच्छा। हुसैन भाई मुझे थोड़ी सी आपकी चीज़ों के बारे में मालूमात लेनी थी, सही है ना हुसैन भाई? अच्छा 15 दिन हुए आपको दुकान खोले हुए। अच्छा हुसैन भाई, इतनी महंगाई के दौर में माशाल्लाह से आप ड्राई फ्रूट का कारोबार कर रहे हैं, तो मतलब किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं अभी ये? काम है नहीं। अच्छा जो साफ कारोबार में जो उम्र गुजरा हुआ है वो सब इसी चीज़। अच्छा अच्छा, ड्राई मतलब कि शुरू से ही आप लोगों ने ड्राई फ्रूट का काम करा है, ठीक है। तो मतलब कि मार्केट से सस्ते रेट हैं यहाँ पर, मुनासिब रेट हैं? नहीं मतलब पिछले साल का रेट नहीं, इस साल बहुत महंगा है। इस साल बहुत महंगा है तो फिर भी बहुत सस्ता था। अच्छा इस साल जो है बहुत महंगा है। अच्छा 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 अच्छा, ये हुसैन भाई बादाम ये क्या हिसाब है, ये कौन सा बादाम है? ये बादाम 3-4 पौधे हमारे पास खड़ा हुआ, ये अमेरिकन तलवार बादाम है, 700 रुपये पाओ है 2800 रुपये किलो। अच्छा अच्छा, ये और ये छोटा अमेरिकन बादाम है 450 रुपये पाओ है, 1800 रुपये किलो 450 रुपये पाओ। और ये मदगाई पिस्ता है, ये 700 रुपये पाओ है 2800 रुपये किलो। 700 रुपये पाओ है 2800 रुपये किलो। अच्छा अच्छा, पिस्ता है मतलब इसमें नमक ज्यादा है, इसमें दूसरा क्वालिटी पड़ा हुआ है वो कम नमक वाला है, वही ईरान में फ्राई किया हुआ है। हाँ हाँ, वो 800 रुपये पाओ है 3200 रुपये किलो। 800 रुपये पाओ है 3200 रुपये किलो, ठीक ठीक। ये काजू? और ये काजू ये इंडिया वाला काजू है, छोटा वाला इंडिया वाला काजू है, ये छोटा वाला 2200 रुपये किलो पड़ेगा, 700 रुपये पाओ। और ये बड़ा वाला है एसएस का, ये 3000 रुपये किलो पड़ेगा। छोटा वाला 2800 रुपये किलो, ये एसएस का बड़ा, ये 3000 रुपये, ये 3000 रुपये किलो, 200 रुपये का फर्क है, 750 रुपये पाओ पड़ेगा, 750 रुपये पाओ। और ये भुना हुआ काजू है? ये भुना हुआ काजू, ये नमक वाला काजू, ये भी 2800 रुपये किलो पड़ेगा। 2800 रुपये किलो। और ये इस महंगाई के दौर में ये जो गरीब के नसीब में नहीं है चिलगोजा, वो ये क्या रेट बेच रहे हो आप? ये बिल्कुल अभी फिलहाल थोड़ा नसीब है, पहले से थोड़ा सस्ता है, पहले से सस्ता हो गया है। ये पहले 8000-9000 इतना की किलो मिल रहा था, अभी 6500-7000 किलो मिलेगा। अच्छा वाला चिलगोजा है ये, ठीक है ठीक है। अच्छा ये अपना गिरी क्या हिसाब दे रहे हो? ये अखरोट गिरी, अमेरिकन अखरोट गिरी, अमेरिकन अखरोट गिरी है, ये 600 रुपये पाव पड़ेगा, 2400 रुपये किलो। इसमें दूसरा क्वालिटी हमारे पास है पाकिस्तान का। अच्छा पाकिस्तान अखरोट गिरी जो है वो 550 रुपये पाव है, 2200 रुपये किलो पड़ेगा। अच्छा ठीक। और ये ईरानी बादाम, ये ईरानी बादाम है, ये 2400 रुपये किलो पड़ेगा। ये अच्छा ये वाला सस्ता क्यों है? ईरानी बादाम सस्ता क्यों है? ये तो अच्छा बादाम भी है लेकिन साइज में छोटा है, बस साइज में छोटा है, इस वजह से थोड़ा सस्ता ही है, वो साइज में बड़ा है तो इस वजह से थोड़ा सा महंगा है। वो अमेरिकन तलवार बादाम वो जो है वो महंगा है, वो महंगा है। ये ऑस्ट्रेलियन पॉपुलर बादाम है, ये 2200 रुपये 2200 रुपये किलो ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये साबुत अखरोट क्या हिसाब दे रहे हो? ये छेना वाला अखरोट है, कागजी अखरोट बड़ा वाला, ये 200 रुपये पाव है, 800 रुपये किलो। और अच्छा इस और इस अखरोट में और इस अखरोट में क्या फर्क है? ये चाइना का अखरोट है, ये पाकिस्तान का अखरोट है। ये पाकिस्तान का आ गया, ये चाइना का आ गया, ये कागजी अखरोट है, दोनों कागजी अखरोट है। ये क्या किलो है? ये 1200 रुपये किलो पड़ेगा, 300 रुपये पाव। इसमें गिरा हमारे पास पड़ा है पाकिस्तान का, ये 2200 रुपये किलो, 2200 रुपये किलो गिरी है पाकिस्तानी अखरोट की। और ये पाकिस्तानी अखरोट 1200 रुपये किलो, ये साबित अखरोट, ये चाइना अखरोट ये 800 रुपये किलो। इसकी गिरी कहाँ पर है? इसका गिरी हमारे पास, ये चाइना का नहीं है, चाइना का गिरी नहीं है। सही 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 ठीक है। अच्छा ये खजूर क्या हिसाब दे रहे हो? ये खजूर कौन कौन सा खजूर है? ये खजूर ये ईरान का खजूर है, जायदी खजूर,
ये 100 रुपए पाव है, 400 रुपए किलो। ईरानी खजूर है ये? ईरानी खजूर है। 100 रुपए पाव। क्या नाम है? जैदी। अच्छा, जैदी। हाँ। अच्छा, ये मुसाफती खजूर है डबे वाला। हाँ हाँ। 480 रुपए किलो, 120 रुपए पाव। 120 रुपए पाव है। और ये वाली? ये अरबी खजूर है। अरबी खजूर। ये अरबी खजूर है, 150 रुपए पाव पड़ेगा, 600 रुपए किलो। 150 रुपए पाव, 600 रुपए किलो। 600 रुपए किलो। अच्छा, ये छुआरा है, काला छुआरा। काला छुआरा क्या साहब है? 80 रुपए पाव है, 320 रुपए किलो पड़ेगा। 80 रुपए पाव, 320। और ये नर छुआरा? ये नर छुआरा 150 रुपए पाव, 600 रुपए किलो। 150 रुपए पाव, 600 रुपए किलो। ये 200 रुपए पाव है, 800 रुपए किलो। 200 रुपए पाव, 800 रुपए किलो। ठीक ठीक। अच्छा हुसैन भाई, ये किशमिश क्या हिसाब है? ये किशमिश में 3-4 क्वालिटी पड़ा हुआ। ये सुंदरखानी किशमिश है। सुंदरखानी क्या हिसाब है? ये अफगानिस्तान का। ये 300 रुपए पाव है, 1200 रुपए किलो पड़ेगा। 300 रुपए पाव, 1200 रुपए किलो। ये पाकिस्तानी किशमिश है, छोटा वाला। ये 250 रुपए पाव है, 1000 रुपए किलो है। पाकिस्तानी 250 रुपए पाव, 1000 रुपए किलो। और ये बड़ा? ये ईरानी किशमिश है, ये 200 रुपए पाव, 800 रुपए किलो। 200 रुपए पाव, 800 रुपए किलो। ईरानी है ये किशमिश? मतलब जिसको शुगर हो ना। हाँ हाँ, वो भी ये खा सकता है। शुगर वाले भी खा सकते हैं, मीठा कम होता है। ठीक ठीक। ये क्या है? ये पेठा है। पेठा। हाँ। ये क्या हिसाब है? ये 80 रुपए पाव, 320 रुपए किलो है। 80 रुपए पाव, 320 रुपए किलो। और ये? ये ईरानी चना है, चॉकलेट वाला। ईरानी चना चॉकलेट वाला, खोल के दिखाओगे? बिल्कुल दिखा रहे हैं आप। ये चॉकलेट वाला चना है, ईरान का है। चने के ऊपर चॉकलेट है ये? हाँ, ये ईरान से आता है। ईरान से आता है ये। ये क्या हिसाब है? ये 800 रुपए किलो पड़ेगा, 200 रुपए पाव। 800 रुपए किलो, 200 रुपए पाव। मजे का है। और ये अंजीर? अंजीर ये 650 रुपए पाव है। 650 रुपए पाव, 2600 रुपए किलो है। ये अफगानिस्तान का अंजीर है, अच्छा वाला, बड़ा वाला। बड़ा वाला अंजीर है ये। इसमें दूसरा से इसका भी है, छोटा वाला, वो 2000 रुपए किलो भी है। अच्छा, छोटा वाला 2000 रुपए किलो है। वो कहाँ का है? वो भी अफगानिस्तान का। वो भी अफगानिस्तान का, बस साइज का थोड़ा छोटा है। और ये नारियल? ये नारियल ये 200 रुपए पाव है, 800 रुपए किलो। 200 रुपए पाव है, 800 रुपए किलो। ये तो अच्छा वाला नारियल लग रहा है। ये तो अच्छा वाला नारियल है, तेल वाला नारियल। और ये क्या? मिक्स मेवा? हाँ, इसमें काजू, बादाम, किशमिश, कोपरा, मूंगफली, ये सारे इसमें मिक्स होता है। बादाम ये 450 रुपए पाव है, 1800 रुपए किलो पड़ेगा। 450 रुपए पाव, 1800 रुपए किलो। ये क्या है? ये चमड़ी है। चमड़ी क्या? ये मतलब वो जो खुबानी आपको दिखाया था ना। हाँ हाँ। ये उसका वही दाना इसमें नहीं है, बगैर। अच्छा, मतलब ये खुबानी बगैर दाने वाला खुबानी है? ये पकाया हुआ है ना, चमड़ी कहते हैं इसको। चमड़ी कहते हैं। अच्छा अच्छा। ये क्या हिसाब है? ये 600 रुपए पाव है, 1600 रुपए किलो। 1600 रुपए किलो। हुसैन भाई, ये आपने देसी घी रखे हुए, ये वाकई खालिस देसी घी है? ये बिल्कुल खालिस देसी घी। ये हमारे दो शॉप जो आपको मैंने पहले बताया था गुलिस्तानी जवर में, ये वहाँ पे भी लेकर आया है, यहाँ पे भी लेकर आया है, ये सिंध से आता है। अच्छा, ओरिजिनल घी है, देसी घी। मतलब सिंध का ओरिजिनल घी है ये? ऐसा तो नहीं कि केमिकल वाला है, ऐसा कुछ? बिल्कुल वारंटी पे। मतलब कि कोई अगर हमारे रेफरेंस से कोई कस्टमर आए, मतलब कि हमारा जो चैनल है तलहा ब्लॉग ऑफिसर के नाम से कोई अगर नाम लेकर आए, तो मतलब ऐसा तो नहीं हो कि हम हमारे नाम से ले तो कोई घर जाके बोले कि नहीं यार ये तो केमिकल वाला है, ये तो देसी घी है? ऐसा तो नहीं है, ओरिजिनल बिल्कुल घी है। बिल्कुल वारंटी पे दे रहे हैं, ओरिजिनल घी जैसे सिंध का। जिसको भी दिया हुआ है वापस अभी तक नहीं लेकर आया हुआ। कुछ चेक कर लूं? बिल्कुल चेक कर लो। खुशबू तो बिल्कुल देसी घी की ओरिजिनल लग भी रही है। जैसा खुशबू का ओरिजिनल, खुशबू ओरिजिनल है, भी होगा वाकई ओरिजिनल है। इसकी ये बनावट इसकी दिखा रही है, ये ओरिजिनल घी है, ये ओरिजिनल सिंध का घी है ये, जो ये यहाँ पर आपको दस्तियाब है। और ये शहद? शहद इसमें कंपनी वाला भी पड़ा हुआ है, वैसे हम खुद वजीरिस्तान से बड़ा भाई भी लेकर आता है। मतलब कि अपने गांव का शहद भी है इसके अंदर, और कंपनी का शहद भी? कंपनी का शहद भी है, वजीरिस्तान से भी लेकर आता है। अच्छा, ये कंपनी का शहद क्या हिसाब है?
कंपनी के शायद मतलब आधा किलो 500 550 600 किलो 1100 1200 यहाँ तक मिल जाएगा। ओरिजिनल शहद जो है वो पावा पड़ेगा 550 रुपये। ये वजरिस्तान का शहद है, ये हम खुद यहाँ पे डब्बे में पैक कर देते हैं। चेक करूँ इसको? बिल्कुल चेक करो। जी नाज़रीन, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इसमें शुगर शामिल हो या किसी और चीज़ से शहद बना हुआ हो। ये शहद बिल्कुल खालिस है, आप चाहें तो ये ले जा कर इस्तेमाल करके कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये शहद खालिस है नहीं है। ये देखें आप, इसकी बनावट ही आपको दिखा देगी कि शहद कैसा है। ये हुसैन भाई, ये क्या हिसाब है? ये 550 रुपये पाव पड़ेगा, 2200 रुपये किलो। ये इतना महंगा क्यों है? ये ओरिजिनल है, इसको हम वारंटी में बिल्कुल देते हैं। ये ओरिजिनल, पक्का ओरिजिनल है ये। अच्छा, ये छोटी मक्खी का है बड़ी मक्खी का है? ये छोटी मक्खी का है। छोटी मक्खी का शायद ये, इसका वारंटी हम तेरे कस्टमर को ले सकते हैं, बाकी जो कंपनी वाला कपड़ा है उसका वारंटी नहीं ले सकते। अच्छा, कंपनी वाले की वो वारंटी नहीं है? इसका है, इसकी वारंटी है कि हाँ भाई कस्टमर अगर लेके जाए तो उसमें कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? ठीक है ठीक है। मामा हुसैन भाई, ये कौन सा बीच है? ये चाइना वाला बीच है, लंबा वाला। चाइना वाला तरबूज का, खरबूजे का? चाइना से आता है, चाइना से आता है बीच। नमक वाला बीज है ये? ये क्या हिसाब है? ये 300 रुपये पाव पड़ेगा, 1200 रुपये किलो। 300 रुपये पाव, 1200 रुपये किलो। और ये वाला काला वाला बीज? ये सूरजमुखी वाला बीज है, ये 150 रुपये पाव, 600 रुपये किलो पड़ेगा। 150 रुपये पाव, 600 रुपये किलो, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये फुल मकाना है, ये 550 रुपये पाव है, 2200 रुपये किलो। 550 रुपये पाव, 2200 रुपये किलो, ठीक है ठीक है। हुसैन भाई माशाल्लाह से आपके पास चीज़ें तो बहुत ही है, आला आला है। ये देखिए, आपने ये चिलगोजे के पैकेट भी बनाए हुए हैं, ये देखें आप। ये एक पाव वाला पैकेट है ये? जी, एक पाव वाला पैकेट। ये 250 ग्राम का पैकेट बनाया हुआ है। ये पैकेट कितने का है? ये 1500 रुपये। 1500 रुपये का पैकेट है ये? गोल्डन चिलगोजा है ये देखें, ये गोल्डन चिलगोजा है, ये 1500 रुपये का पैकेट है। और अगर हमारे चैनल के रेफरेंस से कोई आएगा तो 100 रुपये उस पर डिस्काउंट भी देंगे हुसैन भाई। हुसैन भाई, नहीं ये जैतून तेल है, जैतून तेल है ये। ये पी भी सकते हैं और खाने में भी इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। माशाल्लाह से आपने दुकान की लुक बहुत अच्छी बनाई हुई है। अच्छा, ये शरबत रखे हुए, अर्क रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, अर्क बादिया रखा हुआ है, अर्क मस्कूर रखा हुआ है, मतलब कि आपका अर्क का भी काम है? बिल्कुल है, है? इसका काम हमारे पास भी, यहाँ पे लोग खाने के लिए भी लेके जाता है, पीने के लिए भी लेके जाता है, बाकी सिरका वगैरह ये भी लेके जाता है। सिरका वगैरह भी रखा हुआ है आपने? की दुकान जो है वो ड्राई फ्रूट की दुकान भी है, और माशाल्लाह से ये नीम हकीम भी हैं। अगर कोई आपको कोई मसला हो, कुछ हो, तो आप इनको बता के दवाई भी आप ले सकते हैं। माशाल्लाह से ये देखें आप, इन्होंने दुकान किस तरीके से लगाई हुई है, हर चीज़ इनके पास मिलेगी। सारे आपको ये देखें आप, अर्क मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें आप, ये देखें सारे, हर किस्म के दर्द के तेल, रोगन बादाम, बालों के ऑयल वगैरह, पुदीने का ऑयल, ये देखें तिल का ऑयल, तिल सिया रोगन, ये देखें आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ये ठीक है हुसैन भाई, इजाज़त दें हमारे को आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह से आपकी दुकान बहुत अच्छी है, सही है ना? हमारे चैनल के रेफरेंस से कोई आए तो आप डिस्काउंट भी उनके साथ करेंगे माशाल्लाह से, ठीक है ना? इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, कैसा लगा आप, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो हमारी, कैसी लगी? नाज़रीन, तलहा ब्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। आने वाली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।